हेलो यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू दी परफेक्ट फिफ्थ ट्यूटोरियल्स। ये बड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का नाम है। खैर, तो आज जो हम नया गाना लेकर आए हैं वो गाने का नाम है अपना टाइम आएगा। मेरा नाम है अभिषेक और ये जो गाना पूरा रीप्रोग्राम करने में जो हमारी मदद करी है उनका नाम है SidBotGamer। उनका यूट्यूब पे चैनल भी है तो आप जाके उनको देख सकते हैं। तो इस गाने को हमने जिसको रीप्रोग्राम कराया वापस अपना टाइम आएगा, ये ओरिजिनली डिवाइन का लिखा हुआ है। आपको गाने में जो वोकल्स उसके थ्रू भी डिवाइन जैसी लगेगी आपको। तो इस गाने को हमने रीप्रोग्राम कराया। इसके अंदर आपको जो लास्ट का इसका जो ड्रॉप टाइप की चीज़ है, जो ड्रॉप सा बनाया इसके अंदर, उसमें मेलोडी हमने थोड़ी सी अलग करी है। तो आपको दिखाएंगे एक एक इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे इसके अंदर। एक बार गाना चला देते हैं और वोकल थोड़ी सी कई जगह आउट ऑफ सिंक भी लगेगी तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो आपको जस्ट फॉर रेफरेंस और डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। तो एक बार सुनाता हूँ आपको ट्रैक, फिर आप थोड़े कान खुले रखिएगा, देखिएगा क्या क्या चीज़ उसमें बज रही है। फिर चलिए एक बार प्ले करते हैं इसको। पहले अपनी राख से तो उठ जा अब तलाश में, परवाजे परवाने की अजमा भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। काफी अच्छा रीप्रोग्राम किया है। तो इसके अंदर जो आपको लेयर सुनाई दी, कभी भी हिप हॉप के गाने होंगे उसमें आपको जो जो इसका रिदम सेक्शन होता है, जिसमें आपका इसमें ड्रम्स होते हैं और बेस होता है, ये काफ़ी हैवी होता है और ये काफ़ी इसके ऊपर पूरा गाना टिका होता है। तो एक बार देखते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ की बेस। अब जनरली रैप है तो इसमें ज़्यादा नोट्स मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स होते नहीं हैं, तो जिसकी बेस है जो वो काफ़ी ऐसी मतलब रेजोनेट करती बेस है। आपको एक बार सुनाता हूँ मैं इसकी बेस कैसी है। ये मैंने किया कैसे, ये लॉजिक की बेस है और इसमें जस्ट मैंने जो इसकी तीन नोट्स हैं आपकी स्केल की तीन नोट्स, बस उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा रेजोनेट किया है, एक दूसरे के ऊपर दबाते हुए कराया। तो आप भी करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा खास फैंसी नहीं है। तो ये इसकी बेस है। इसके साथ जो मैंने किक लेयर करी है, पहले तो पहली किक है, सैंपल पड़ा था मेरे पास, आप कोई भी सैंपल यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। और ये दूसरी किक है, और स्नेयर, और स्टेयर का था मेरे पास सैंपल। इसमें काफी एम्बियंस है। और ये हेड्स, ये एक्स्ट्रा जो हेड है ये काफी एम्बियंस, जो जिसमें काफी रिवर्ब है। और एक ये रिवर्स है जो इनिशियली आप जब स्टार्ट होते हो तो चाहिए होती है। आप एक बार सुना देता हूँ मैं वापस इसको ढंग से। तो ये कुछ नहीं है, जो नॉर्मल हैट या क्रैश जो होते हो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, उसकी मतलब ऑडियो पे जाके उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये रिवर्स सैम्पल है उसका। और इसके इसके रिदम सेक्शन में और कुछ नहीं है। एक साथ आप इनिशियली गाने में एक चीज़ इसमें चल रही जो प्लग्स है, ऐसा कुछ आपको सुनाई दे रहा होगा, कुछ नहीं है, सिंपल एक नोट है डी। और इसमें कुछ नहीं है। तो एक इसमें सैंपल आपको काफ़ी जो मेजर ट्रांजिशन में सुनाई दे रहा होगा आपको, वो है गार्गोइल्स के। अब इसमें क्या है, ये एक कुछ लो एंड पे है या लेफ्ट पैंड है, एक सेंटर में, एक राइट में। और ये सैंपल आपको मिल सकता है, आप इसको चीज़ों से रिप्लेस भी कर सकते हैं, पर फिलहाल इस गाने में ये सूट करा था इसलिए मैंने यूज़ किया।
शब्दों का ज्वाला भी एक बार यही है इसको लेयर करा हुआ है किसी को लो एंड से किसी को हाई एंड से और कई बार लेफ्ट पैन होता है कई बार राइट पैन होता है जो काफ़ी एक तरीके से मतलब क्या कह सकते हैं आप डेप्थ देता है और काफ़ी वाइड कर देता है उस साउंड को तो इसीलिए चीज़ों को लेयर किया जाता है जैसे मैंने किक को लेयर किया स्नेयर को लेयर किया है और इनिशियल पार्ट में आपको इतना ही मिलेगा एक बार रिदम सुने इसका कि जब मैं गाने को रीप्रोग्राम कर रहा था या आप भी गाना सुनेंगे तो उसके अंदर आप तो बस इस टाइप का कुछ रिदम है इसके अंदर अब आते हैं इसके ड्रॉप की तरफ तो ये ड्रॉप हमारे सिड साहब ने बहुत ज़बरदस्त बनाया है इसके ड्रॉप में आपको बेस सुनाते हैं सेम कुछ अलग नहीं किक तो ये तो सेम जो ड्रम्स थे वही है इसमें कुछ खास अलग नहीं है मतलब हल्का फुल्का जहाँ पे ड्रम बूस्ट करा होगा धीरे 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 चढ़ा होगा वो सब तो चीज़ें थी ही ये गार्गोइल्स के सैंपल्स हैं इस खैर ये गार्गोइल्स के नहीं है सैंपल्स ये आपके वायलिन के सैंपल्स हैं एक बार सुनाता हूँ मैं आपको अब ये पल्सेटिंग कैसे साउंड कर रहा है तो इसमें साइड चेन यूज़ करी हुई है सिड ने तो वो साइड चेन कैसे यूज़ करता है हालांकि इसका अलग पूरा प्रोसीजर है साइड कंप्रेशन मार के तो मैं आपको अलग उसकी एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा कि ये वीडियो मैंने मतलब ये साइड कंप्रेशन मैंने कैसे लगाया इसे साइड चेन कैसे करी मैंने इसमें तो इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक वायलिन जो सेंटर में मतलब जो एक मेन इलेक्ट्रिक वायलिन है इसके साथ आपको एक और मिलेगा जो हाई एंड पे एक लो एंड पे एक आपको प्लग्स मिलेंगे ये सब लॉजिक के इंस्ट्रूमेंट्स है रेट्रो प्लग में इलेक्ट्रिक वाले नहीं है आप इसको किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं जो इस टाइप का साउंड करता है ऐसे बहुत सिंथ मिलेंगे आपको इसके अंदर बहुत सारे सिंथ है लॉजिक के अंदर अब मैं चाहूँगा कि आप भी कभी टाइम खाली मिले तो जो इसके सिंथ हैं उसको एक एक करके सुने अब बहुत आपको अच्छे अच्छे साउंड मिलेंगे उसके अंदर तो इसमें बस इतना ही यानी जो इसकी जो जो ड्रॉप के बाद की जो मेलोडी की जो हमने लेयरिंग करी है उसमें मेन वायलिन है जो कि लो है हाई है और एक सेंटर में जो मेन में और प्लक्स है और ये रेट्रो प्लक्स के कुछ कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई दी मैंने सुनाई दी ड्रम सुनाई दी आपको और इसमें ऐसा कुछ ऐसा अलग नहीं है खास नहीं था इसकी वोकल्स को भी मिक्स करते वक्त हमने इस वोकल्स में हल्का सा डिस्टॉर्शन डाला है आप भी जब गाना कभी डालेंगे तो उसमें वोकल्स में हल्का डिस्टॉर्शन डाल सकते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है क्योंकि रैप में होते हैं एक दो जगह आपको रिपीटेशन चाहिए होती है तो उसको भी आप लेयर कर सकते हैं दूसरी वोकल से और जब आप इसका जब ड्रॉप आने वाला होता है तो आप उसमें एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए अलग टाइप के रिवर्ब्स डाल सकते हैं डिलेज डाल सकते हैं तो बस इतना ही है इसके अंदर और हाँ जो इसका जो मेन आपको जो मैंने कहा ये वाले पार्ट में साइड चेन ये साइड चेन कैसे लगाई इसका पूरा एक प्रोसीजर है तो मैं आपको एक इसके अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें तो अगर आपको इस गाने की ये जो जो मेलोडी है उसके आपको मिडी फाइल्स चाहिए होंगे तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा तो बहुत अच्छा गाना प्रोग्राम करा है दोबारा बताता हूँ SidBotGamer आप जाके उनको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं SidBotGamer तो आप बताइएगा मुझे एक वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा आपको कोई और भी गाने चाहिए जिसको मैं रीप्रोग्राम करूं और आपके सामने रखूं हम एक दो और शायद रैप गाने के शायद आने वाले हैं बाकी आप मुझे बताइएगा अगर आपको कोई ऑर्केस्ट्रल भी गाना चाहिए या कोई अलग टाइप का गाना चाहिए जो आपको लगता है कि यार इसमें कैसे सोचा जाए तो बताइएगा हमें हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आपके पास रख सके तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हम बहुत सारे नए काम के साथ आने वाले थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा ओके थैंक यू